हर हर शंभू फेम अभिलिप्सा पांडा आज हमारे साथ जुड़ गई है, जो कि आज शिवरात्रि का अवसर है और उन्होंने अपने गाने से पूरे देश भर में धूम मचा दी थी। अभिलिप्सा, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24x7 में। अभिलिप्सा, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24x7 में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आज शिवरात्रि है और आपके एक गाने ने पूरे देश भर में धूम मचा दी थी, कैसा लगा था जब हर शख्स की जुबान पर आपका ही गाना सुनाई देता था? काफी अच्छा लगा था, जेन्युइन सी बात है, लोग इतना प्यार दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जी, लगातार सोशल मीडिया सेंसेशन बनना और उस तरक्की तक पहुंचना, उस मुकाम तक पहुंचना, उसके पीछे की कोई कहानी है अभिलाषा? देखिए, हर सक्सेस स्टोरी के पीछे या हर मुकाम के पीछे एक स्टोरी होती है। काफी लंबी जर्नी है, बचपन से ही प्रैक्टिस करते करते हो गया, बस सब महादेव की कृपा है। जी, जिस तरीके से आप महादेव की कृपा बता रहे हैं, आप शिव की काफी बड़ी भक्त लगती हैं। माँ शिवरात्रि आज है, क्या मैसेज आप आज शिव भक्तों को देना चाहेंगे अपने माध्यम से? भक्तों के लिए मैसेज तो एक ही होगा, जो भी शिव भक्त है, अगर मेरे से बड़े मेरे को सुन रहे तो मैं उनकी यंगर सिस्टर हूँ, मेरे से छोटे मेरे को सुन रहे तो मैं उनकी एल्डर सिस्टर हूँ, तो एज देयर बहन मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी। अगर आप महादेव की पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो उनसे सौम्यता और कामनेस और पेशेंस वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जरूर सीखें, वो जरूर कैप्चर करें और अपने लाइफ में उसको इंक्लूड करें। जी, अभिलिप्सा, आपका गाना जब फेमस हुआ था तो इस गाने को एक मुस्लिम महिला ने भी गाया था, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था, आपका उस पर क्या कहना है? देखिए, ऐसी कोई विवादास्पद चीज तो वो थी नहीं। एज अ ह्यूमन मेरे को वो पर्सनली काफी अच्छा लगा था कि जो श्लोक होते हैं वो सब सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो अगर लोग जो दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं वो अगर इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी, अभिलिप्सा, आपके कुछ फ्यूचर की बात कर लेते हैं, क्या कुछ नया आने वाला है, आप कहाँ कहाँ हमें दिखाई देने वाली हैं, बॉलीवुड में किस तरीके से आप नए गाने ला रही हैं? अभी हाल ही में सोनी म्यूजिक की तरफ से एक सॉन्ग रिलीज हुआ है, जो कल ही रिलीज हुआ है, वो मेरी छोटी बहन का कंपोजिशन है, नाम उस ट्रैक का जपता ओम नमः शिवाय, वो काफी प्यारा ट्रैक है। और हाल ही में अभी टाइम्स म्यूजिक की तरफ से भी ट्रैक्स आ चुके हैं, आगे आने भी वाले हैं, तो आशा है कि पहले जितना प्यार और आशीर्वाद दिया लोगों ने, अब भी उतना ही प्यार और आशीर्वाद देंगे। जी, तो हम तो आपसे ये जो आपका नया गाना आने वाला है हर हर शंभू, तो हम सुनेंगे ही, उससे पहले इसके दो शब्द सुनना चाहेंगे। तो जैसे मैंने जिक्र किया, जपता ओम नमः शिवाय, उसकी लाइन्स कुछ ऐसी हैं। पूरब से जब सूरज निकले और सुरमे और पंछी गीत सुनाए, तब मन बैरागी रे, जपता ओम नमः शिवाय, जपता ओम नमः शिवाय, तब मन बैरागी रे, जपता ओम नमः शिवाय, जपता ओम नमः शिवाय। जी, अभिलिप्सा, बेहद ही खूबसूरत ये गाना आने वाला है। उम्मीद करते हैं जिस तरीके से आपका हर हर शंभू पूरे देश और दुनिया में छा गया था, ये गाना भी उसी तरीके से छाएगा। परिवार का किस तरीके से आपको सपोर्ट मिलता है? क्योंकि हम जब भी कुछ काम करते हैं तो खास करके लड़कियों के लिए एक फैमिली सपोर्ट, एक बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी होता है। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? क्या परिवार का सपोर्ट आपको हमेशा मिला है? जी, परिवार ने मुझे बचपन से सपोर्ट किया है। जहाँ पे परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता है वहाँ पे लोग कहीं ना कहीं लैग करते ही हैं, तो परिवार का सपोर्ट मेरे साथ हमेशा से रहा है। आप कई सारे फ्यूचर गाने भी गाने वाली हैं, आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे आप कंपटीशन किस तरीके से देखते हैं? जो टैलेंट आता है इंस्टाग्राम के ज़रिए टैलेंट आता है, क्या उस टैलेंट को भी कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए? क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल कई लोग जो है वो आगे निकल कर सामने आ रहे हैं।
एब्सोल्युटली, हर एक टैलेंट को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, मेहनत जो भी कर रहे हैं उनको जरूर प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। मैं ये मानती हूँ चाहे सोशल मीडिया हो या फिर फिजिकल रिकॉग्निशन हो, लोगों को जरूर मिलना चाहिए, उनके टैलेंट को अप्रिसिएशन जरूर मिलना चाहिए। जी, अब लिप्सा आपसे जान लेते हैं कि आपकी फेवरेट बॉलीवुड सिंगर कौन है, मेल या फीमेल, जिनके गाने सुनना आप पसंद करती हो और गुनगुनाना पसंद करती हो, उनका कोई एक छोटा सा गाना गुनगुना दीजिए। मुझे तो सारे सिंगर्स काफी पसंद है क्योंकि सबका जॉनर अलग अलग है, और क्योंकि महाशिवरात्रि का माहौल है तो बॉलीवुड की तरफ थोड़ा कम रुख करें तो बेटर है। जी, महाशिवरात्रि का माहौल है, सही बात आप कह रही हैं। आपका गाना हर हर शंभू एक बार सुनेंगे, जिससे एक बार फिर से हमारे दर्शक उसी याद में चले जाएंगे। जरूर जरूर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि हर हर शंभु 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 शिव महादेव। जी, अभिलिप्षा, जिस तरीके से आपने बचपन से ही सोच रखा था कि आपको सिंगर बनना है, मैं चाहूंगी उन लड़कियों को या उन लोगों को आप क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगी जो एक सिंगर बनना चाहती है, किस तरीके से उन्हें अभ्यास करना चाहिए और अपने सही रास्ते को चुनना चाहिए? देखिए, जो भी डेस्टिन करते हैं, कोई भी गोल अगर आप चुनते हैं तो उसमें अपना मन से 100% दीजिए। जब आपको चैन की सांस आ जाए कि हाँ ये मेरा 100% था, तो अल्टीमेटली आप वो गोल तक रीच कर ही जाएंगे, उस डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाएंगे। जी, अभिलिप्सा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे दर्शकों को इतनी प्यारी आवाज में आपने एक बार फिर से मंत्रमुग्ध कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई थी हर हर शंभू फेम अभिलिप्सा पांडा, जिन्होंने एक बार फिर से हर हर शंभू गाना गाकर